दोस्तों, के एन एन न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ भारती व्यास, आज फिर मौजूद हूँ एक नई खबर एक नए मुद्दे के साथ। आज का हमारा मुद्दा है एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर। नेशनल सिटीजन रजिस्ट्रार की अंतिम लिस्ट शनिवार जारी कर दी गई। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिक अंतिम सूची में 19,06,669 लोग बाहर से, इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया था। 3,11,21,004 लोगों को वैध करार दिया गया है। अगर कोई लिस्ट से सहमत नहीं है तो वह फॉरेंस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। पिछले साल 21 जुलाई को जारी की गई एनआरआई सूची में 3.29 करोड़ लोगों में से 40 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल था। अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। 2500 एनआरआईसी सेवा केंद्र बनाए गए। यह लिस्ट इंटरनेट और राज्य के 2500 एनआरआईसी सेवा केंद्रों, 171 अंचल कार्यालय और 33 जिला उपयुक्त कार्यालयों में उपलब्ध होगी। वहीं असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों से अफवाहों, सुनी सुनाई बातों, फेक न्यूज़ पर विश्वास न करने की अपील भी की गई है। गुवाहाटी समेत 5 जिलों में धारा 174 लागू की गई। राज्य में अफवाहों के दौर जारी एनआरसी को लेकर राज्य में कई अफवाहें फैली हुई है। अफवाह में कि जिनके नाम अंतिम लिस्ट में नहीं होंगे उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रशासन सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में बसे किसी भी भारतीय को डरने की ज़रूरत नहीं है, कृपया शांति बनाए रखें, राज्य सरकार उनके साथ है। अंतिम सूची में जिनका नाम नहीं होगा उनकी चिंताओं पर राज्य सरकार ध्यान देगी, सुनिश्चित करेगी कि कोई परेशान न हो। 4 साल में 72,000 कर्मचारी एनआरसी लिस्ट बनाने में जुटे थे। 4 साल से जारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस काम में 72,000 कर्मचारी 4 साल से लगे हुए थे। असम में एनआरसी कार्यालय 2013 में बना था, पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम 2015 से शुरू हुआ। पहली लिस्ट 2017 और दूसरी लिस्ट 2018 में प्रकाशित हुई। असम अकेला राज्य जहां एनआरसी लागू है, साथ ही सिटीजन रजिस्टर है। इस तरह का पहला रजिस्ट्रेशन साल 1951 में किया गया था। 2018 तक 3 साल में राज्य के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता साबित करने के लिए 6.5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे। ये दस्तावेज करीब 500 ट्रकों के वजन के बराबर थे। इसमें 14 तरह के प्रमाण पत्र थे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हुए। असम में 33 में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी आधी से ज़्यादा बताया जाता है। इन्हीं जिलों में बीते दशकों से बांग्लादेशियों की घुसपैठी काफ़ी हुई है। साथ ही KNN की नशा मुक्ति मुहिम से जुड़ते रहिए और हमारे देश के युवाओं को इस तरह के जहर से दूर करने के लिए होने वाले नुकसानों से अवगत कराते रहिए। देखते रहिए KNN न्यूज़ रूम इंदौर।